खबर केदारनाथ से है, जहां हाल ही में बीते दिनों से तीर्थ पुरोहितों द्वारा दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम के मंदिर निर्माण को लेकर विरोध किया जा रहा था। बताने के तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि बाबा केदार नाम का मंदिर दिल्ली में नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम की आस्था को ठेस पहुंचाए जाने वाली बात होगी, जो कि सही नहीं है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताते हुए ये बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पुरोहितों की बात मानकर उन्हें आश्वस्त किया था। वहीं अब तीर्थ पुरोहितों ने आज मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके से केदारनाथ धाम की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम भी परिवर्तित किया जाएगा। वहीं जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हम मुख्यमंत्री की बात से संतुष्ट हो गए हैं, उन्होंने हमारी बात मानी, हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हालांकि आगे चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर केदार का स्वरूप दूसरे स्थान पर दिया गया तो फिर हम आंदोलन करेंगे और मामले को कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जो हमारे आंदोलन के संचालक महोदय थे और आपकी आज्ञा हुई, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री केदारनाथ जी को प्रणाम करते हुए, भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हुए और सभी आंदोलनकारी तीर्थ पुरोहित साधु सन्यासी जितने भी लोगों ने हमारे इस आंदोलन में भाग लिया है, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है जब हमारा जो है देवस्थानम बोर्ड का आंदोलन चल रहा था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उस समय हमारी ये बात मानी और इस समय भी वो इस बात को मानेंगे और इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद तभी देंगे जब ये जो केदार का स्वरूप जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल वो मंदिर जो है नहीं बनना चाहिए। आप मंदिर बनाओ, भगवान का शिवालय बनाओ, उस नाम कोई ना रहे, लेकिन भगवान केदारनाथ का स्वरूप केदारनाथ का जो नाम वहाँ पर रखेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ और अपने अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जो है विषम परिस्थिति में आजकल देख रहे हैं पत्थरों की बारिश हो रही है, वो इतनी कठिन परिस्थिति में जो है देहरादून में गए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है और फिलहाल के लिए जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हमारा ये धरना प्रदर्शन स्थगित है। जय श्री